तो बच्चों एंटी कभी किसी चैप्टर से टफ क्वेश्चन पूछ लेता है तो कभी किसी चैप्टर से इजी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एंटी का तो स्टाइल है यार, कभी टफ क्वेश्चन पूछेगा कभी इजी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हमें तैयार रहना है सब तरीके के क्वेश्चंस के लिए। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात करूँ तो एक टर्मिनल वेलोसिटी पे वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे मैम फ्लूइड मैकेनिक्स को लेकर एक वीडियो बना दो। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहाँ से एनटीए पूछता है सवाल, मतलब एक सवाल तो वहाँ से पक्का आना होता ही है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आपको डील करनी है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ यार कि प्रेशर वेरिएशंस को कैसे डील करेंगे। तो फॉर एग्जांपल बस थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ना होता है, उससे आप पीवाईक्यूज लगा सकते हो। इतने ईजी वे में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर ये कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है। तो यार आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट कंसिडर कर लूँ, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट कंसिडर कर लूँ पॉइंट ए, तो उस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? क्या वही प्रेशर होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? पी नोट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से एच हाइट नीचे एक पॉइंट मान लूँ बी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? यहां से एच हाइट नीचे इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? तो क्या जब हम वर्टिकली डाउनवर्ड आए तो क्या एक एक्सिलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, जो कि ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन? तो उसकी वजह से जब भी हम फोर्स, नीचे फोर्स है ना, ठीक है, नीचे कौन सा फोर्स है? mg। ठीक है, तो mg की वजह से अगर हम फोर्स के डायरेक्शन में नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहाँ पर प्रेशर पी नोट था, एच हाइट नीचे गए, पी नोट प्लस रो जी एच, एच हाइट नीचे आए इसलिए रो जी एच। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने कोई पॉइंट यहां से सी एक्स डिस्टेंस पर ले लिया है, तो सी पर मुझे प्रेशर बता दो यार। तो क्या सी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है? हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स हो तो फिर कोई एक्सिलरेशन भी नहीं है। कोई एक्सिलरेशन नहीं है तो क्या ये जो पी बी पॉइंट का प्रेशर है वही सी पॉइंट का प्रेशर भी होगा? बिल्कुल। तो अगर मैं इसको बोल रही हूँ प्रेशर ऑफ पॉइंट बी, तो क्या यही मेरा सी पॉइंट का प्रेशर भी हो जाएगा? बिल्कुल, यही मेरा सी पॉइंट का प्रेशर भी हो जाएगा। लेकिन इनकेस अगर वो आपको बोल दे कि इधर की तरफ एक एक्सिलरेशन है ई, कोई भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इधर भी प्रेशर वेरिएशंस लिखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर यहाँ प्रेशर है पी बी, तो मुझे सी पर प्रेशर कैसे लिखना पड़ेगा? पी बी प्लस रो, अब जी नहीं आएगा क्योंकि इधर की साइड एक्सेलरेशन जी नहीं है, इधर तो जी था, अब एक्सेलरेशन कितना है ए, और कितना डिस्टेंस है एक्स। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ भी रो जी एक्स मत लिख देना, जी नहीं आएगा, जी पहला एक्सिलरेशन जी था इसलिए जी लिखा था। अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे कि विस्कस फोर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अगर विस्कस फोर्स की अगर मैं आपसे बात करूं, तो देखो यार, अगर ये कंटेनर है और यहाँ पर ये कोई स्फेरिकल बॉल या सॉलिड बॉल कुछ भी हो सकती है जो कि फ्लूइड में सिंक कर रही है, सिंक कर रही है वी वेलोसिटी से, तो कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे? ये डेंसिटी ऑफ बॉल है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे जल्दी से बता दो। तो फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये वाला फोर्स तो सभी को याद रहता है, ठीक है, एक ये सारे मॉलिक्यूल्स इसके आसपास के इस पे एक बॉयंट फोर्स लगा रहे होंगे ऊपर की तरफ, अप थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा एफ बी। ठीक है, अब देखो बात आती है विस्कस फोर्स की, विस्कस फोर्स के डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करना है? यार अगर बॉल की वेलोसिटी ये है, अगर बॉल की वेलोसिटी ये है, बॉल इस वाले डायरेक्शन में जा रही है, तो विस्कस फोर्स किधर लगेगा? विस्कस फोर्स किधर लगेगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स किधर लगेगा? तो क्या विस्कस फोर्स हमेशा ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अगर ये बॉल इधर वेलोसिटी से जा रही होती किसी भी वेलोसिटी से, तो विस्कस फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता। जैसे कि आप लोगों को पता है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जिधर ऑब्जेक्ट चलता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, सेम यहाँ पर विस्कस फोर्स है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती तो विस्कस फोर्स इधर लगता, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो विस्कस फोर्स इधर लग रहा है, बॉयंट फोर्स उधर ही लगेगा, mg इधर ही लगेगा। ठीक है, अब क्या इसके पास कोई एक्सेलरेशन होगा स्टार्टिंग में? बिल्कुल इसके पास एक्सेलरेशन होगा, g एक्सेलरेट कर रहा होगा इसको। ठीक है,
लेकिन कुछ टाइम बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी, क्योंकि आपको पता है जो ये विस्कस फोर्स है, ये जो विस्कस फोर्स है ये बढ़ रहा होगा, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा। तो क्या एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब ये विस्कस फोर्स और बॉयंट फोर्स मिलकर एम जी को बैलेंस कर लेंगे? अब यार बहुत लोगों को लगता है कि बोर्स फोर्स बैलेंस हो गए, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है, फोर्स बैलेंस हो गए, तो फोर्स बैलेंस होने से वेलोसिटी जीरो हो जाती है। नहीं, फोर्स बैलेंस होने से वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया है, नेट फोर्स जीरो हो गया है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी? लेकिन ऐसा मैं कोई बहुत लंबा सा कंटेनर ले लूं तो कुछ टाइम बाद जब एम जी बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स के बराबर हो जाएगा तो ये जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स की जिससे ये नीचे की तरफ जा रहा था वो कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, पक्का। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम नीट में आए हुए क्वेश्चंस को वो देखते हैं। नीट में आए हुए क्वेश्चन को, नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, द विलोज कंसेप्ट समझ लिए, 5 मिनट लगे कंसेप्ट समझने में। अब देखो कैसे आप फटाफट फटाफट क्वेश्चन को कर लेते हो। द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास एम एंड डेंसिटी डी व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर एंड फिल्ड द ग्लिसरीन। देखो क्या कर रहे हैं हम, इधर करते हैं, ये कंटेनर है जो ग्लिसरीन से भरा है, इसमें एक सॉलिड बॉल है जिसकी डेंसिटी है डी, उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसके पास जीरो होगी, बाद में कुछ वेलोसिटी आएगी जी की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, हाँ कहाँ थे, यहाँ थे। ठीक है, ड्रॉप इन अ कंटेनर फिल्ड विद अ ग्लिसरीन बिकम्स कॉन्स्टेंट आफ्टर सम टाइम, जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन डी बाई टू देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, हमें बताना है कि विस्कस फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो यार एक चीज देखो, इसकी ग्लिसरीन की डेंसिटी दी हुई है डी बाई टू, इसका मास दिया हुआ है एम, हमें बताना है विस्कस फोर्स। अब वेलोसिटी उसको ऐसे मिल जाएगी, कुछ टाइम बाद कॉन्स्टेंट होगी। कॉन्स्टेंट कब होगी, जब इस पर ये एम जी, अभी हमने बात करी, ये बॉयंट फोर्स और ये विस्कस फोर्स, ये एम जी इन दोनों को बैलेंस कर लेगा। तो यहां से मुझे विस्कस फोर्स कितना मिल जाएगा, मुझे विस्कस फोर्स मिल जाएगा एम जी माइनस एम बी। यहां से मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मास को मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकती हूं, तो एम जी इस पर लग रहा है तो इसकी डेंसिटी कितनी है डी, वॉल्यूम वी लिख लेती हूँ फिलहाल के लिए, इनटू जी। बॉयंट फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि डी बाई टू दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो क्या डिस्प्लेस उतना ही होगा जितना इसका वॉल्यूम है, तो वो भी वी हो जाएगा, इनटू जी। क्या कॉमन आ गया यहाँ से, वी बाई जी कॉमन आ गया, डी माइनस डी बाई टू बचा, तो डी माइनस डी बाई टू कितना हो गया है डी बाई टू। अब देखो वापस से ये वी और डी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मिलकर क्या बन जाएंगे, मास, यानी कि एम जी बाई टू। विस्कस फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई है, एम जी बाई टू। देखो फटाफट से एक कंसेप्ट समझा, और हमने नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन कर दिया है, तो एम जी बाई टू कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी, बॉम्बे ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो दूसरा जो क्वेश्चन आया है, अभी हमने प्रेशर वेरिएशंस के बारे में भी पढ़ा है, नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा है, कैसे सॉल्व करोगे। YouTube दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक वाटर फिल है 15 सेंटीमीटर तक, डायग्राम दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर तक, ऑयल फिल है, द हाइट ऑफ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर हो है, यहाँ तक तो डायग्राम के बारे में ही लिखा हुआ है, इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल की बात कर रहा है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल कितना लेना पड़ेगा, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 लेनी है, तो हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है। क्या करें, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं ए और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं बी, तो जिस हिसाब से मैंने अभी तुम्हें बताया है, क्या ये ए की हॉरिजॉन्टल लाइन पर दो पॉइंट है, बिल्कुल, तो क्या इन दोनों पर प्रेशर सेम होगा, बिल्कुल। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, प्रेशर ए इज इक्वल टू प्रेशर बी, क्लियर है यहाँ तक। प्रेशर ए, प्रेशर ए क्या लिखोगे, P नॉट, ऊपर में तो यहाँ एटमोसफेयर में तो P नॉट है ना, कितना नीचे आए 15 सेंटीमीटर, P नॉट प्लस रो, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है 10 टू पावर 3, G
एच, एच मतलब ये हाइट, 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, SI यूनिट है, मतलब कि 0.15 मीटर इज इक्वल टू बी, बी के लिए पी नॉट, यहाँ पर पी नॉट प्रेशर था, कितने हाइट नीचे आए बी, तो रो जी एच, ग्लिसरीन की डेंसिटी हमको निकाल, सॉरी ऑयल, ऑयल है, ऑयल की डेंसिटी हमको निकालनी है, रो जी और एच हाइट कितना नीचे आया, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 0.20 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर पी नॉट से पी नॉट तोड़ गया, ये भी पी नॉट प्लस है, पी नॉट प्लस, पी नॉट से पी नॉट उड़ गया, ठीक है, और क्या क्या उड़ गया, जी से जी उड़ गया। इसके बाद हमें ये डेंसिटी निकालनी है ऑयल की, तो ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.15 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय 0.20। फटाफट से आंसर निकाल के बता दो यार क्या आएगा, कैलकुलेशन करनी है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, जो भी काटा काटना है वो काट के बता दो कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट आ रहा है, ए बी सी डी में से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से क्वेश्चन का और देखो कितना इजी है क्वेश्चंस को करना। एनटी का जो भी स्टाइल हो यार, चाहे टफ हो, चाहे इजी हो, चाहे मीडियम हो, चाहे एवरेज हो, हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, हमें सब कुछ आता है, इस तरीके से हमें कंसेप्ट को पढ़ना है। और ऐसे ही और अच्छे कंसेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, थैंक यू सो मच।